गोरखपुर में 25,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए चल रही तैयारियों की जानकारी देते हुए सोमवार को सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के पीछे टीकाकरण के केंद्रीकृत भंडारण की व्यवस्था के लिए नवनिर्मित भवन में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी लगभग पूरी है। टीकाकरण के केंद्रीकृत भंडारण की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए 500 स्क्वायर फीट में निर्माण कार्य चल रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया। लाइन से आईएनआर लगेंगे, रिफ्रिजरेट लगेंगे, इस दीवार में, इस दीवार में, इस दीवार में, उनमें रहते हैं। सर, उससे फिर हमारे कोल्ड चेन पॉइंट पर जो कुछ अच्छा, अगर कोल्ड चेन पॉइंट पे जाएगा फिर वहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन जगहों पर। जैसे दो हैं तो दो जगह से मंडे 3 दिन, यानी ये हफ्ता शुरू हुआ तो मंडे, फिर फ्राइडे, फिर अगला मंडे, अगला मंडे, और जो लास्ट फ्राइड मतलब अगले हफ्ते कल फ्राइडे होगा वो मॉप अप रहने ही देंगे। 7 दिन का देंगे, अगले हफ्ते फिर दे देंगे, क्योंकि सारे दिन पहले से देना है। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा था क्या है वैक्सीनेशन जो कि संभावित है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते या जब भी वैक्सीन आ जाएगी तो शुरू होना है, उसकी प्रिपेयर्डनेस हमें पहले से करनी है। प्रिपेयर्डनेस के क्रम में वैक्सीन स्टोरेज के लिए, वैक्सीन भंडारण के लिए हमें एक 500 स्क्वायर फीट में एक भवन बनाना था, जो भवन करीब करीब तैयार है और उसमें केवल छत पड़ के और पुताई रंगाई होके वहाँ पे ये पावर पॉइंट्स और इलेक्ट्रिक सप्लाई देके उसको कंप्लीट कर लेंगे। जो उम्मीद है हमें 1st week of January में हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। उसी का मैं अभी निरीक्षण करने गया था और वो हमारी तैयारी पूरी है।